सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद डॉक्टर राजन एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज रामयोग स्टूडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आईडी है योगा विद डॉक्टर राजन के नाम से। सो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए बहुत इफेक्टिव वीडियो लेके आया हूँ जो कि हो सकता है सोसाइटी में कॉमन हो और उसके रिलेटेड मैं आज वीडियो बनाऊंगा। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरी इंजरी का डे 5th है, अगर किसी को लिगामेंट की इंजरी हो जाए जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो अगर किसी को हो जाए, वैसे ग्रेस ऑफ गॉड किसी को ना हो, अगर किसी को हो जाए या किसी को है, नी में भी दिक्कत है, लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम है, लिगामेंट में स्ट्रेन है, स्वेलिंग है, या टीयर, थोड़ा बहुत टीयर हो चुका है, अगर तो पूरा टीयर हो चुका है, उसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा सर्जिकल जो है ओपिनियन लेना पड़ता है। तो अगर आपका टीयर नहीं है, स्वेलिंग है, या उस पर जोर आ गया है, या स्वेल्ड है, या उसमें स्ट्रेन है, पूरा स्वेलिंग है, तो उसके लिए आपको मैं आज दो सिंपल वर्कआउट बताऊंगा कैसे हम सिंपल इसको ठीक कर सकते हैं। मैंने भी पिछले 3-4 दिन से इसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, काफ़ी इम्प्रूव है और इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। मैं दो आपको सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर किसी के नी इंजरी है या आपकी लिगामेंट इंजरी है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, दो लिगामेंट होते हैं, एक अंदर वाली साइड, एक बाहर वाली साइड, और एक अंदर वाली साइड लिगामेंट होती है। वैसे पीछे भी काफ़ी सारे लिगामेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हम चलने पे या उठने बैठने पे यूज़ करते हैं वो साइड वाला जो MCL लिगामेंट होता है, और बाहर वाली साइड जो लेटरल लिगामेंट होता है, लेटरल लिगामेंट बोला जाता है उसको, और अंदर ACL बोला जाता है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। जो अंदर वाला लिगामेंट है जिसको मीडियल और लेटरल लिगामेंट बोलते हैं, इसमें मेरे स्प्रेन आई हुई है। अगर आपको कोई स्प्रेन है या बाहर वाली साइड स्प्रेन है, तो इसको कैसे ठीक करना है एक्सरसाइज के साथ। अगर तो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो आप 1-2 दिन एक्सरसाइज ना करें। अगर इन्फ्लामेशन थोड़ी कम हो गई है तो आपने 2 एक्सरसाइजेस करनी है, डेली करनी है, 10-10 रेपिटेशन। तो लेट्स गो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्कआउट। दोस्तों, मैं इस अपने आपने अगर लिगामेंट इंजरी है, नी ब्रेस जरूर डालनी है, इसमें सपोर्ट रखिए, आप चल सकते हैं, लेग को सीधा रख के चल सकते हैं, क्योंकि जब साइड वाला जब लिगामेंट जब हम चलते हैं तो वो वर्क करता है। जब हम मूवमेंट करते हैं लेग की, तो हमारा जो लिगामेंट साइड वाला लिगामेंट है वो वर्क करते हैं। तो अगर नी ब्रेस डाल देंगे, इससे आपको सपोर्ट मिलेगी, तो इट्स वेरी गुड। अगर आप दूसरा ACL भी अगर में दिक्कत है, तो उसके लिए भी आप नी ब्रेस जरूर डाल। तो मैं ये जो मेरा नी ब्रेस है इसको मैं उतार देता हूँ, तो थोड़ा टाइट करके लगाना है जिससे आपको सपोर्ट मिलेगी चलने में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम खोल लेंगे, जैसे कि ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है। लेग्स को बिल्कुल सीधे रख के, अगर आपके सामने कोई टेबल है उस पर बैठ जाइए, या चेयर पे बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो आपने 5-5 रेपिटेशंस करने हैं। दिस इज द 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। जहाँ तक नीचे आप लेके जा सकते हैं, उतना ही आपका जो काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है ये हमारे लिगामेंट्स पे, 4 एंड 5। इसके 10 रेपिटेशन दोस्तों आपने करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया वर्कआउट। 1, then 2, then 3, then 4, then 5। दिस इज द फर्स्ट वर्कआउट। सेकेंड, आप इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे, देन सीधा करने के बाद हल्का सा अपने फुट को ऊपर रखेंगे, और एक बार लेफ्ट, दूसरी बार राइट। दिस इज 1, then 2, then 3, then 4, 5, 6 and 7। सो दोस्तों, इसके भी 10 रेपिटेशन आप करेंगे और काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट। इसको आप डेली कीजिए और आपके काफ़ी हद तक यू नी का लिगामेंट है वो स्ट्रांग होगा और जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो मुझे लगा अपने दोस्तों के साथ, अपने YouTube फैमिली के साथ, सभी के साथ इसको शेयर करना चाहिए, जो कि अगर किसी को लिगामेंट इंजरी है तो कैसे ध्यान रख पाएंगे। सो इससे आपका लिगामेंट स्ट्रांग होगा, और अगर आपकी इन्फ्लेमेशन है वो भी धीरे धीरे कम होगी। तो दोस्तों, मेडिसिन में इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता, ज़्यादा एक्सरसाइज से और रेस्ट से आपका लिगामेंट रिकवर हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको किसी के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके रिलेटेड सिंपल से सिंपल वीडियो बनाओ।
ये थी दोस्तों आज की वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।